Getting started with Eclipse पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि एक्लिप्स में कैसे एक प्रोजेक्ट बनाएं और क्लास शामिल करें, एक जावा प्रोग्राम कैसे लिखें और एक्लिप्स में एक जावा प्रोग्राम कैसे रन करें। इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं Ubuntu 11.10 Eclipse 3.7। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपके सिस्टम पर एक्लिप्स नस्ब होना लाजमी है, नहीं तो मुतल्लका ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई हुई हमारी वेबसाइट पर जाएं। एक्लिप्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह एक टूल है जिसमें जावा प्रोग्राम आसानी से लिखा, डीबग और रन किया जा सकता है। अब हम एक्लिप्स खोलते हैं। Alt F2 दबाएं और डायलॉग बॉक्स में Eclipse टाइप करें और एंटर दबाएं। हमें एक वर्कस्पेस लॉन्चर डायलॉग बॉक्स मिलता है। वर्कस्पेस एक जगह है जहां आपके प्रोजेक्ट का मुतल्लका डेटा और Eclipse की मुतल्लका फाइल्स जमा होती हैं। यहां पहले से ही एक लोकेशन है जो डिफॉल्ट लोकेशन है। ब्राउज फीचर इस्तेमाल करके अलग डायरेक्टरी भी चुनी जा सकती है। अभी हम डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। आपको वेलकम टू एक्लिप्स पेज मिलता है। वर्कबेंच पर क्लिक करें जो पेज के ऊपर दाएं कोने में है। और यहाँ एक्लिप्स IDE है। अब एक प्रोजेक्ट शामिल करते हैं। फाइल न्यू पर जाएं और प्रोजेक्ट चुनें। प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त से जावा प्रोजेक्ट चुनें। यह भी गौर करें कि हम अपने ज्यादातर ट्यूटोरियल्स के लिए जावा प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट नाम में एक्लिप्स डेमो टाइप करें। एक ऑप्शन पर गौर करें जो यूज डिफॉल्ट लोकेशन कहता है। अगर यह ऑप्शन चुना जाता है तो एक्लिप्स डेमो प्रोजेक्ट का सारा डेटा डिफॉल्ट वर्क स्पेस में जमा होता है। अगर यह नहीं चुना हुआ है तो ब्राउज फीचर का इस्तेमाल करके एक अलग लोकेशन भी चुनी जा सकती है। अभी हम डिफॉल्ट लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। विजार्ड के नीचे दाहिने कोने पर फिनिश पर क्लिक करें। हमें ओपन एसोसिएटेड पर्सपेक्टिव डायलॉग बॉक्स मिलता है। पर्सपेक्टिव एक्लिप्स में आइटम्स की तरतीब बताता है। डायलॉग बॉक्स जावा डेवलपमेंट के लिए मुनासिब नुक्ता नजर का मशवरा देता है। रिमेंबर माय डिसीजन चुनें और यस पर क्लिक करें। यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट के साथ एक्लिप्स आईडीई है। अब प्रोजेक्ट में क्लास जोड़ते हैं। प्रोजेक्ट पर दायां क्लिक करें और न्यू और क्लास चुनें। क्लास का नाम डेमो क्लास दें। गौर करें कि मॉडिफायर्स में दो ऑप्शन हैं, पब्लिक और डिफॉल्ट। अभी के लिए इसे पब्लिक रहने दें। दूसरे ऑप्शंस आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताए जाएंगे। और स्टब्स की फहरिस्त में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑप्शन चुनें। दूसरे ऑप्शंस आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताए जाएंगे। विजार्ड के नीचे दाएं कोने पर फिनिश पर क्लिक करें। यहाँ क्लास फाइल है। गौर करें कि यहाँ कई मुनकसिम खाने हैं, यह पोर्टलेट कहलाते हैं। यहाँ पैकेज एक्सप्लोरर पोर्टलेट है जो फाइल ब्राउजर की तरह काम करता है। हमारे पास एडिटर पोर्टलेट है जिसमें हम कोड लिखते हैं और आउटलाइन पोर्टलेट जो प्रोजेक्ट की हायरार्की यानी तंजीमी ढांचे को दिखाता है। हर पोर्टलेट का नाप भी बदला जा सकता है।
उन्हें मिनिमाइज बटन का इस्तेमाल करके मिनिमाइज भी किया जा सकता है। रिस्टोर बटन का इस्तेमाल करके उन्हें वापस बहाल भी किया जा सकता है। अब दूसरे पोर्टलेट्स को मिनिमाइज करते हैं और एडिटर पर तवज्जो मरकूज करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ पहले से ही कोड है जो हमारे लिए एक्लिप्स ने बनाया है। यह कोड क्लास बनाते वक्त हमने जो ऑप्शन चुने उस पर मुनहसर है। अब यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं। system.out.println (parenthesis में quotes के बीच hello eclipse) टाइप करें। स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन डालें। फाइल पर क्लिक करके और सेव चुनकर फाइल को सेव करें। या फिर आप कंट्रोल एस शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए एडिटर पर दायां क्लिक करें, रन एज पर जाएं और जावा एप्लीकेशन चुनें। हम देखते हैं कि अगर कुछ प्रिंट होता है तो आउटपुट कंसोल आउटपुट दिखाता है। अगर हमारे कोड में कुछ मसले होते तो वो प्रॉब्लम्स पोर्टलेट पर दिखाई देते। तो इस तरह आप एक्लिप्स में जावा प्रोग्राम लिखते और रन करते हैं। इसके साथ हम ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे एक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाएं और उसमें क्लास शामिल करें, जावा सोर्स कोड कैसे लिखें और एक्लिप्स में जावा प्रोग्राम कैसे रन करें। इस ट्यूटोरियल की मश्क के लिए डिस्प्ले नाम का एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और डिस्प्ले प्रोजेक्ट में वेलकम नाम का क्लास शामिल करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानकारी के लिए इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा देती है। अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देती है। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे भारत सरकार के MHRD वजारत के कौमी खानगी मिशन ने ICT के जरिए से मुआवनत की है। इस मिशन पर मजीद जानकारी इस लिंक पर दस्तियाब है। मैं मुतरजिम मोमना अहमद विदा लेती हूँ। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।